हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल अंकिता स्टाइल एंड टिप्स में आप लोग का स्वागत है। आप सभी तो अरवी की सब्ज़ी तो कभी ना कभी ज़रूर खाए होंगे। अगर आप भी स्नैक्स में कुछ अलग ट्राई करने को बारे में सोच रहे हैं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। देखिए कितना क्रिस्पी है ये। ये है अरवी के टिक्के जो कि खाने में बहुत टेस्टी है। इसको आप धनिया के चटनी के साथ या कोई सॉस के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये है अरवी 250 ग्राम। इसको हम कुकर में लेंगे। एक कुकर में से बॉयल करना है अरवी को और इनसे हम 4 सीटी लगाएंगे क्योंकि ये बड़े बड़े साइज़ के अरवी हैं। और पानी हम 1 गिलास इसमें डालेंगे। अब इसे हम गैस में ढक्कन लगाकर बिठा देंगे। और अब देखिए, अब हमारा ये गैस पे 4 सीटी लग चुका है। अब हम कुकर का ढक्कन निकालते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारे ये अरवी हुए हैं कि नहीं। नाइफ की सहायता से आप चेक कर लीजिए। देखिए पूरे ये अरवी अच्छे से हो चुके हैं और इसे एक बर्तन में हम निकाल लेते हैं। अरवी कोई कोई हार्ड होते हैं जो अच्छे से उबल भी नहीं पाते हैं। अब हम अरवी को एक बर्तन में निकाल लेंगे उसके पानी ड्रेन कर। और अरवी के आप लोग तो बहुत सब्जी खाओगे, कितने लोग सूखे बनाते हैं पूरी के साथ खाते हैं और कितने लोग ग्रेवी वाला बनाते हैं वो चावल के साथ खाते हैं। अब ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा टिक्का रेसिपी। अब देखिए हमारे ये बॉयल हो चुके हैं। इसे हम इसके ऊपर के छिलका निकाल लेंगे। आराम से हमारे ये छिलके निकल जाते हैं। इसी तरह हम सारे अरवी के अपने छिलके निकाल लेंगे। और इसके पत्ते के भी एक मज़ेदार बनते हैं, वो भी ऐसे उबाल कर टिक्के की तरह ही बनते हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा, मेरे वीडियो में है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। रिकोच उसको बोलते हैं, मैंने उसका रेसिपी डाला हुआ है तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। अब फिर हम इसको एक मैसर से मैश कर लेंगे। देखिए मैश हो नहीं रहा है क्योंकि इसमें ज़्यादा चिकनाहट होते हैं ना, तो इधर उधर ये अरवी भाग रहे हैं। अब देखिए हमारे ये अरवी अच्छे से मैश हो चुके हैं। टिक्का बनाने के लिए हमें जो जो सामान चाहिए, देखिए ये है ब्रेड क्रम। इसको हम अच्छे से तवे में अच्छे से सेक लिए ब्राउन कलर होने तक। फिर इसको आप मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पाउडर बना लीजिएगा। और फिर ये है गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून। और फिर ये चावल का आटा मैंने लिया है। और ये धनिया का पत्ता और जीरा पाउडर, लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, चाट मसाला, अजवाइन, लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार डालिएगा। अब हम जो मैश किए हुए थे अरवी वो ले लेंगे। उसमें डालेंगे चाट मसाला और फिर हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को हाथों में अच्छे से क्रश कर लेंगे ताकि इसके फ्लेवर अच्छे से चारों तरफ हमारे टिक्की में फैल जाए और खाने में बहुत टेस्टी लगे। अब हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। हम ये कलर के लिए डाल रहे हैं क्योंकि हमने ग्रीन चिली पेस्ट तो बनाए हैं लहसुन और अदरक के साथ। और फिर हम डालेंगे धनिया कटे हुए और फिर ये जीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और फिर हम ये लहसुन और मिर्च अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे। ये देखिए और फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। जितना आपको नमक, जैसे कम नमक खाते हो तो कम डालिएगा आप। और फिर हम ये डालेंगे, सबसे मेन इंग्रेडिएंट है हमारा ये चावल का आटा। चावल का आटा हम इसलिए डाल रहे हैं कि हमारे इसमें थोड़ा क्रिस्पीपन आए। देखिए मैंने ये 2 टेबलस्पून डाला है चावल का आटा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि इस पर थोड़ा गीला है तो और थोड़ा चावल का आटा इसमें मिक्स कर लीजिएगा। हम इसे मैश करते हैं तो हमारे हाथों में ये बहुत चिपकते हैं।
अब देखिए हमारा फाइनल हो गया है, ये सारे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम टिक्का जैसे बनाते हैं ना आलू के टिक्के, उसी तरह सेम इसको भी हमें बनाना है। आप कोई भी छोटे या बड़े सेब ले लें और उसी तरह आप बना लें सारे टिक्के को। देखिए इसी तरह हम आप हाथों को अच्छे से गीला कर लीजिएगा और फिर टिक्का बनाइएगा, आपका आराम से ये टिक्का बन जाएगा, चिपकेगा भी नहीं आपके हाथों में, हमें कोई तेल और लगाने की ज़रूरत नहीं है। सारे टिक्का बनकर हमारा रेडी हो गया है और ये हमारा रहा ब्रेड क्रम्ब। मैंने तो ब्रेड क्रम्ब की आपको रेसिपी भी इसी में बता दिया है, बहुत आसान है, ब्रेड क्रम्ब भी आप घर पे ही बना लीजिएगा। नहीं तो ब्रेड के जो साइड साइड होते हैं ना, जो हम लोग कट कर लेते कोई चीज़ बनाने के लिए, साइड साइड का ही आप क्रम्ब बना लीजिएगा और हम इसको अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। हमें इसमें कोई कॉर्नफ्लोर या कुछ यूज़ नहीं करना है उसी को, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे चिपचिपाहटपन होते हैं और बहुत चिकने भी होते हैं, तो ऐसे ही वो क्रम से वो कोटिंग हो जाएंगे। देखिए हमारे सारे कोटिंग हो चुके हैं क्रम से। फिर हम लेंगे ऑयल, लेंगे एक पैन में और ऑयल को हम अच्छी तरह से चारों तरफ फैला लेंगे और फिर इसी में हम सारे टिक्के, हमारे ऑयल अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, फिर हम इसमें सारे टिक्के एक एक कर कर डाल लेंगे। ये आप डीप फ्राई भी इसे कर सकते हैं और सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और देखिए मैंने सारा डाल दिया और एक साइड हमारे हो भी चुके, आपको दिख ही रहे होंगे। अब इसको हम पलट लेते हैं और हल्का सुनहरा कलर होने तक हमें इसे पकाना है। देखिए इसके कलर कितने अच्छे खिल कर आ गए हैं एक साइड पलटने पर ही। और जो मेरे रेसिपी का जो कलर है वही दिखता है, मैं इसमें कोई कलर भी यूज़ नहीं करती हूँ, जो दिखता है वही ही होता है मेरे रेसिपी में। कितने लोग कलर भी डालते हैं कलरफुल करने के लिए, बट मैं कलर यूज नहीं करती हूँ क्योंकि कलर सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, ये तो आप लोग को भी पता होगा। इसी तरह हम सारे टिक्के अच्छे से सेक लेंगे। देखिए हमारा टिक्का भी बनकर रेडी हो गया है, अब इसे हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं एक एक कर कर। देखिए हमारे टिक्के के कलर कितने अच्छे आए हैं ना, तो आप भी फ्रेंड ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो बचे हुए टिक्के थे ना उसको भी हम इसी पैन में फ्राई कर लेंगे, सेलो फ्राई कर लेंगे। अब देखिए हमारे टिक्के बनकर रेडी हो गया, आप इसे हरी चटनी या कोई सॉस के साथ खा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉच माई दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।